देखनी है। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमने पढ़ा है कि दोनों पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। और अगर ऐसा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है या ऐसा इंटेंशन नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाता। तो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर दोनों पार्टीज के एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ राइट्स होते हैं और साथ ही साथ कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। सो द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज इज द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज होने का मतलब है इसी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का खत्म हो जाना। यानी जब दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं कि डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। या ये कहें कि दोनों पार्टीज जब अपने अपने ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाते हैं और उनके राइट्स पूरे हो जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको राइट्स मिले हैं, जब वो राइट्स फुलफिल हो जाते हैं और जो उनकी ऑब्लिगेशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जब उससे वो रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में वेज टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट से पार्टीज को, या कैसे कैसे पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसके बहुत से वेज हैं, जैसे परफॉर्मेंस है, सेकेंड म्यूचुअल कंसेंट है, इम्पॉसिबिलिटी है, उसके बाद फिर लैप्स ऑफ टाइम है, ऑपरेशन ऑफ लॉ है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सब के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस क्या होता है, यानी कि डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस से कैसे दोनों पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप से खत्म हो जाते हैं, या ये कहें कि उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है और वो अपने ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाते हैं। तो बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में भी दो चीजें हो सकती हैं, एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस से हो सकता है डिस्चार्ज और दूसरा हो सकता है कमिटेड परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से। जब अटेम्प्ट किया जाता है परफॉर्मेंस करने के लिए, तब भी जिस पार्टी ने अटेम्प्ट किया है परफॉर्म करने का वो उस ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाता है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में फर्स्ट है बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसके अंदर अगर पार्टीज एक दूसरे के प्रति जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल कर देते हैं पूरी तरीके से, और जैसा जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस उसके हिसाब से अगर वो अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर देते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि ये बाय परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल कर दिया गया है या डिस्चार्ज हो गया है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ए ने बोला बी से कि हम अपना डाइनिंग सेट जो है तुम्हें 10,000 रुपये में बेचना चाहते हैं। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने ए को 10,000 रुपये दे दिए और ए ने डाइनिंग सेट बी को डिलीवर कर दिया। इस तरीके से उनके बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया, दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। सेकेंड जो है बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि जिसमें एक पार्टी अटेम्प्ट करती है अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए लेकिन दूसरा पार्टी रेडी नहीं होता है, तो उसको भी हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। हालांकि इसमें जिस पार्टी ने अटेम्प्ट किया है उसका ये राइट बनता है कि अगर दूसरे पार्टी के मना करने की वजह से उसका कोई नुकसान हुआ है तो वो उसके लिए उसको डैमेजेस क्लेम कर सकता है। जैसे कि आपने कोई ऑर्डर दिया और फिर उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर किया और फिर उसके बाद ऑर्डर आया तो आपने उसको लेने से इनकार कर दिया बिना किसी रीजन के,
तो अगर वो चाहे तो आपसे, उसने तो अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया, लेकिन अगर नहीं पूरा हो पाया, आपने मना कर दिया, तो आपकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से, जो आपने प्रॉमिस किया था कि हम इतना पे करेंगे और आपने पे नहीं किया, तो वो आपकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके लिए वो कोई भी डैमेजेस जो चाहे, कुछ नुकसान अगर उसका हुआ उस दौरान और वो क्लेम करना चाहे तो कर सकता है। तो ये बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, जहां पर एक पार्टी ने अटेम्प्ट किया परफॉर्म करने का, लेकिन ये परफॉर्मेंस दूसरे पार्टी की वजह से पूरा नहीं हो पाया, या किसी भी कारण की वजह से अगर पूरा नहीं हो पाया तो वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय कंसेंट। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। कंसेंट का मतलब होता है जहां पर दोनों पार्टीज आपस में सहमत हो जाते हैं, और कुछ इसमें वेज हैं कंसेंट से कैसे कैसे किया जा सकता है। उन तरीकों में से कोई एक अगर वो अडॉप्ट करते हैं डिस्चार्ज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसा डिस्चार्ज डिस्चार्ज बाई कंसेंट माना जाएगा, या डिस्चार्ज बाई एग्रीमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। आपकी बुक में एग्रीमेंट और कंसेंट दोनों लिखा हुआ है, तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट या डिस्चार्ज बाय कंसेंट में दोनों पार्टीज जिनके एक दूसरे के ऊपर राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो दोनों आपस में मिलकर तय कर लेते हैं कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। देखिए इसके कई तरीके हैं, जैसे पहला है ऑल्टरेशन, फिर है रेसिशन, मर्जर, रेमिशन, नोवेशन, और एक वेवर भी होता है, इसमें छूट गया, वेवर भी एक वे है जिससे किया जा सकता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम वेवर। तो इन वेज में, यानी इन तरीकों से जो पार्टीज हैं वो म्यूचुअल कंसेंट के अंदर, यानी कि एक दूसरे से अग्री करके और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हमें डिटेल में देखना है। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे वो होगा हमारा ऑल्टरेशन। देखिए ऑल्टरेशन के अंदर पार्टीज अग्री टू चेंज वन और मोर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड डिस्चार्ज्ड। मान लीजिए ऑल्टर, ऑल्टर कराने का मतलब क्या होता है, चेंज कराना, उसमें मॉडिफिकेशन करना। तो इस तरह में क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो आपस में म्यूचुअली कंसेंट के साथ एग्री करके ये तय कर लेती हैं कि भाई जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स और कंडीशंस ऐसी हैं जो कि शायद सही नहीं है, या उनको चेंज कर लेना चाहिए। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है पहले से ही, सपोज ए है एक पार्टी और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4। अब ए ने ये बात बी के सामने रखी कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस, ये जो टर्म्स और ये वाले पहले और तीसरे वाली जो कंडीशंस हैं, ये हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो अगर आप तैयार हो, अगर आप चाहें तो हम दोनों लोग मिलकर के इनको चेंज कर दें। और बी भी इसके लिए अग्री कर जाता है कि हाँ सही कह रहे हैं आप, ऐसा करते हैं, पहला और तीसरा वाला जो है वो चेंज कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो इन दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया, चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन। तो इसको बोलेंगे, अब ये वाला जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें पहले ये कंडीशंस लिखी थी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज्ड माना जाएगा। माना जाएगा कि इसके अंदर जो टर्म्स और कंडीशंस जो थी वो फुलफिल हो गई हैं, और इन्होंने क्या कर लिया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो बना, जो न्यू बना, जिसमें कि पहली और तीसरी कंडीशन चेंज की गई है, उस न्यू कॉन्ट्रैक्ट को अभी ने डिस्चार्ज करना है, तो ओल्ड वाला डिस्चार्ज मान लिया गया, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं हुआ इसमें, परफॉर्म थोड़ी किया है, लेकिन उन्होंने आपस में कंसेंट करके ये तय कर लिया कि हम इसमें चेंज करेंगे, और दोनों तैयार हैं, और उन्होंने इसको चेंज कर दिया,
तो माना जाएगा कि ये पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कि चेंज किया गया था वो डिस्चार्ज हो गया है और अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कि उन्हें डिस्चार्ज करना है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ऑल्टरेशन में उसके बाद रिसीशन है। रिसीशन मतलब होता है कैंसिल कर देना, कैंसिल आउट करना। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ टर्म्स और कंडीशंस या तो सारे टर्म्स और कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं उसमें क्या था, कुछ ही टर्म्स और कंडीशंस में चेंज होता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि सारे टर्म्स और कंडीशंस जो हों, और इसमें चेंज करने की बात नहीं हो रही है, इसमें चेंज नहीं किया जा रहा कंडीशन को, इसमें क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, कुछ टर्म्स और कंडीशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ए और बी के बीच में था जिसके अभी हम बात कर रहे थे, उसमें ये चार कंडीशंस थी जिसमें उसने कहा पहला वाला और तीसरा वाला कैंसिल कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको चेंज करने की बात नहीं हो रही है तो कैंसिल कर देते हैं, या ये बात हो जाए कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देते हैं, ना आप परफॉर्म करिए ना हम परफॉर्म करें। तो अगर कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स या फिर सारे टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं अगर वो चेंज कर दिए जाते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं बिना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए, इसमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, इन्होंने कहा कि हम इन टर्म्स को कैंसिल करना चाहते हैं या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो अगर ये कैंसिल कर देते हैं उसको बिना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए, म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब दोनों की सहमति से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कंसेंट वाला टॉपिक, कंसेंट में ये सारे सब कैटेगरीज हैं, अगर दोनों की कंसेंट से ऐसा हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे कि डिस्चार्ज बाय रिसीशन हो गया, डिस्चार्ज बाय कैंसिल हो गया। अब जो पार्टी रिसीन करती है, मान लीजिए कि दो में से एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया था, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया था, सपोज ए को बी को कार सेल करनी थी तो उसने अपनी कार जो है इनको दे दी है, और बी ने वादा किया था कि हम तुमको 2 महीने के बाद पैसा देंगे। अब ए ने अपनी गाड़ी इसको दे दी लेकिन बी ने अभी पैसा नहीं दिया था, बीच में बी ने ये बात रखी कि ऐसा है कि ये हम लोग जो है टर्म्स और कंडीशन जो है इसके ये कुछ कैंसिल कर देते हैं या ये कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देते हैं जो भी उनके बीच में तय हुआ, और बी ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये बोला जाएगा कि रिसीशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पार्टी ने रिसेंट किया है, यानी जिस पार्टी ने कैंसिल करवाया है उस पार्टी को, यानी बी को, बी ने कैंसिल करवाया ना कह के ए से, तो बी को एक को वो बेनिफिट्स वापस करने पड़ेंगे जो उसने ए से हासिल किए थे, यानी ये कार उसको वापस लौटानी पड़ेगी ए को। ये इसका मतलब है कि द रिसेंडिंग पार्टी रिस्टोर्स द बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी के बेनिफिट को उसे रिस्टोर करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कभी उसमें। नेक्स्ट इज रेमिशन। रेमिशन के अंदर क्या होता है कि दो पार्टीज जो होती हैं उनके बीच में सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है अगर, तो पूरा फुलफिलमेंट नहीं करके कुछ कम फुलफिलमेंट होने पर भी अगर पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो वो रिमिशन के थ्रू डिस्चार्ज माना जाएगा। ए ने सपोज ए ने बी से पैसे लिए थे उधार 10,000 रुपए और बोला था कि हम तुम्हें 1 महीने के बाद वापस कर देंगे। अब 1 महीने पूरे हो गए, ए ने पैसे जो है नहीं लौटाए, बी ने क्लेम किया अपना पैसा कि हमें 10,000 रुपए जो तुमने लिए थे, बोला था देने के लिए, तो इस पैसे को वापस करो। ए ने कहा कि हम 10,000 रुपए तो नहीं दे सकते लेकिन हम तुम्हें 8,000 रुपए दे देंगे अगर तुम बोलो तो, और बी भी इसके लिए तैयार हो गया। बी ने कहा चलो ठीक है 10,000 रुपए मत दो, फ्रेंड हो 8,000 रुपए दे दो, कोई बात नहीं। तो ए ने उसको 8,000 रुपीज दिए, बी का राइट कितने का बनता था 10,000 लेने का, लेकिन उसने लिया कितना 8,000 रुपीज लिए,
एक ऑब्लिगेशन बनता था 10,000 रुपए देने का, लेकिन उसने दिया कितना 8,000 रुपए, और बी एग्री कर गया इस चीज के लिए कि चलो 8,000 रुपए दियो, 10,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 2,000 माफ कर देते हैं, ये नहीं कि बाद में ले लेंगे, उसने बोला कि माफ कर देते हैं, अब नहीं लेंगे, 8,000 रुपए लेंगे, तो ये क्या हो गया, रिमिशन हो गया। इसमें जो पार्टीज थी उनके बीच में क्या हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट, पूरा फुलफिलमेंट नहीं करने की बजाय लेसर फुलफिलमेंट, कुछ कम फुलफिलमेंट करके भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर जो प्रॉमिस किया गया है वो पूरा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रेमिशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट या डिस्चार्ज। उसके बाद आता है मर्जर। मर्जर के अंदर देखिए लिखा हुआ है दैट सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर मर्ज्ड इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, या तो सारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स या फिर कुछ टर्म्स, सर्टेन टर्म्स मतलब कुछ टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज कर दिए जाते हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या किया जाएगा, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है उसके कुछ टर्म्स मर्ज कर दिए जाएंगे। इन दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं उनके बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं उनका रेफरेंस इस नए कॉन्ट्रैक्ट में दे करके इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। इसके टर्म्स और कंडीशंस इसमें मर्ज कर दिए गए हैं, इसके टर्म्स और कंडीशन का क्लैरिफिकेशन इसमें दे दिया गया है न्यू कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसको बोलेंगे मर्जर। इन्हीं टर्म्स और कंडीशंस को यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक लाइन और इंपॉर्टेंट लिखी इसको भी देख लीजिए, मर्जिंग ऑफ इंफीरियर राइट्स इनटू द सुपीरियर राइट्स। जनरली ये जो किया जाता है मर्जर, उसमें जो इंफीरियर राइट्स होते हैं उनको सुपीरियर राइट्स में मर्ज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो बी के यहाँ एक किराएदार है, बी के मकान में ये घर है बी का, इस घर के अंदर ए जो है वो रहता है किराए पर, ठीक है, और उसको हर महीने 5,000 रुपए किराया देता है। कुछ समय के बाद, तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था ये वाला ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है टीनेसी का कॉन्ट्रैक्ट, टीनेंट है और बी जो है वो उसका लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, तो टीनेसी का कॉन्ट्रैक्ट था ये। ए ने ए को हर महीने 5,000 रुपए देना पड़ता था। कुछ समय के बाद ए ने बी से कहा कि हम ये घर जो है खरीदना चाहते हैं, बी ने इसको परचेज करने का ऑफर किया कि हम आपका मकान ऐसा करते हैं, आप तो रहते नहीं हैं, आप तो बाहर रहते हैं, आप ऐसा करिए कि घर हमें बेच दीजिए, तो परचेज करने का ऑफर किया और बी इसके लिए तैयार हो गया, दोनों की कंसेंट से हो रहा है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से या एग्रीमेंट से, पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट से डिस्चार्ज होंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो बी भी इसके लिए तैयार हो गया, बी तैयार हो गया, बी ने अपना जो मकान है वो ए को बेच दिया, उसके लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना। अब इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में ये जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है इसकी टर्म्स और कंडीशंस को मेंशन कर दिया गया कि इससे पहले जो टीनेसी का कॉन्ट्रैक्ट था, हालांकि इन्होंने करा लिया था मान लीजिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट टीनेसी का, 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में टीनेसी का, हर 5 साल तक उसको हर महीने 5,000 रुपए देने पड़ते बी को, लेकिन 2 साल के बाद ही आफ्टर 2 ईयर्स जब ये किराए पर रहने आया उसके 2 साल के बाद ही इसने क्या कर दिया, इस मकान को खरीद लिया बी से कह के, अभी 3 साल और बचे थे। तो इन्होंने इस नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर दिया कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको डिस्चार्ज मान लिया जाए, और ये लिख दिया यहाँ पर क्योंकि अब ये इस मकान के मालिक है तो हमें अब इसमें किराया लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा भी लिख देता है और साइन कर देता है। तो ये पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या है, नए वाले में मर्ज हो गई, या ये कहें कि जो इन्फीरियर राइट था, पहले उसका राइट क्या था, राइट ऑफ अ टीनेंट था, यानी किराएदार का राइट था, अब वो टीनेंट का राइट क्या हो गया है, मर्ज हो गया है मकान मालिक के राइट में, अब वो मकान मालिक बन गया, सुपीरियर राइट आ गया उसके पास,
तो जब सुपीरियर राइट आ जाता है तो इंफीरियर राइट उसी में मर्ज हो गया, तो अब उसका किरायादारी टिनेसी का जो राइट है या ऑब्लिगेशन है जो, वो खत्म हो गया। अब उसको टिनेट के रूप में 5,000 रुपए जो देने पड़ते थे वो नहीं देने पड़ेंगे, ये बात है इसके अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नोवेशन। नोवेशन के अंदर क्या होगा कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और उसमें तय कर लेते हैं कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, या पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म माना जाए, डिस्चार्ज माना जाए, तो उसको नोवेशन बोलेंगे। अब इसमें पार्टीज भी कभी कभी चेंज हो जाती हैं, कभी कभी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती हैं पूरी तरीके से, जैसे कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कोई भी, और उसके बाद इनके बीच का ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया गया, कैंसिल करके इन लोगों ने आपसी सहमति से, कंसेंट से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया कि जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज माना जाए, वाला हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और अब हम नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, यानी हमारे बीच का जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया, उसमें हम लोगों के जो लीगल ऑब्लिगेशंस थे वो हम एक दूसरे को रिलीज कर रहे हैं और हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो इसमें नोवेशन का मतलब ही होता है नया कर देना, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, ए और बी के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी कभी पार्टीज भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज हो जाती है, नोवेशन उसको भी बोलेंगे, यानी कि या तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस नए हो जाएं या तो पार्टीज नए हो जाएं। जैसे ए ने 20 से 10,000 रुपए लिए थे, तो अब ये 10,000 रुपए क्या है, ए के पास नहीं थे, तो ए ने फर्दर सी को कुछ पैसे दिए हुए थे, ए का ए ने सी को 20,000 रुपए दिए हुए थे जो कि उसको नहीं मिल रहे थे, या 20,000 रुपए का कोई सामान दिया हुआ था, कुछ प्रोडक्ट डिलीवर किया था जिसका पैसा सी से अभी उसको लेना है, और ए ने बी से कुछ पैसे लिए हुए थे, तो ए ने ये कहा बी से ये बात रखी कि ऐसा करो तुम हमारा पैसा इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तुम इससे जा करके तुम इससे डायरेक्ट ले लेना 10,000 रुपए जो मेरे हैं, और सी भी इसके लिए तैयार हो गया। तो इसमें क्या हुआ, अब ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया और बी और ए के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सॉरी सी और बी के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था 10,000 रुपए का वो डिस्चार्ज हो गया, और ए बी और सी की सहमति से ये तय हो गया कि अब ये बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि बी सी से 10,000 रुपए लेगा इतने दिनों के अंदर। इसको नोवेशन की कैटेगरी में रखा है, ये नोवेशन है। तो पार्टीज भी चेंज हो सकती है नोवेशन में, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज हो सकते हैं, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नोवेशन के बाद वेवर। वेवर के अंदर क्या होता है, वेव करना मतलब होता है रिलीज कर देना, छोड़ देना किसी चीज को, वेव कर देना। तो वेवर के अंदर क्या होगा कि जो पार्टीज हैं वो अपने ऑब्लिगेशंस को, राइट्स को जो है, या राइट्स को तो छोड़ सकते हैं, ऑब्लिगेशंस को छोड़ने की बात नहीं है, राइट्स को अपने छोड़ देते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं। पार्टीज गिव अप देयर राइट्स, अपने राइट्स को क्या कर देते हैं, वेव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इन दोनों का एक दूसरे के प्रति कुछ अधिकार है, ए का बी पर कुछ राइट है और बी का ए के ऊपर भी कुछ राइट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। सपोज इनके बीच में तय हुआ है कि ये अपनी गाड़ी बी को डिलीवर करेगा और बी ने तय किया है कि हम इसे 10,00,000 रुपए देंगे, तो दो इसका राइट क्या है, ए का राइट है कि वो बी से 10,00,000 रुपए ले और बी का राइट है कि वो ए से ये गाड़ी ले। दोनों चीजें हैं, दोनों के एक दूसरे पर राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं, लेकिन फिलहाल हम वेवर में राइट की बात करेंगे क्योंकि वेव ऑफ किया जाता है राइट्स को, ऑब्लिगेशंस को नहीं। तो पार्टीज ने, यानी बी ने अपना कार लेने का राइट जो है वेव ऑफ कर दिया, ए ने अपना 10,00,000 रुपए लेने का राइट वेव ऑफ कर दिया,
इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया अपने आप, जब इन्होंने अपने राइट्स वेव ऑफ कर दिए तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को लीगल ऑब्लिगेशन से रिलीज कर दिया, अपने अधिकार को छोड़ दिया, मतलब दूसरे की लायबिलिटी से उसको रिलीज कर दिया, बस इतनी सी चीजें हैं इस इन टर्म्स में। कुछ आपको एक दूसरे से मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आपको लिखने के तरीके में जरूर समझ में आएगा कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा दोनों ही के।